Namaskar. I am Dr. Shehla Agarwal and I am a dermatologist. Dermatologist is the one who will guide you what you need, how you need it, how you can get it done and what is the best for you. Aaj ka hamara topic hai laser hair removal. लेजर हेयर रिमूवल एक इतना बड़ा टॉपिक है कि शायद अगली बार से हम उस पर एक सीरीज शुरू करेंगे। आज मैं आपको बेसिक्स बताना चाहती हूँ। पहली चीज तो यह है कि हिंदुस्तानी स्किन में, जिसे ब्राउन स्किन हमारी है, वहाँ लेजर हेयर रिमूवल नहीं होता है, लेजर हेयर रिडक्शन होता है। बिकॉज हमारे यहाँ हमारी स्किन में सेम कलर है जो लेजर हेयर के अंदर जाती है, मेलानिन, तो हम बहुत हाई डोज नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हमारा जो है रिजल्ट 80-85% होता है। ज़रूरत यह है कि लेज़र हेयर रिडक्शन एक थेरेपेटिक प्रोसीजर है, कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये एक ट्रीटमेंट मोडालिटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बच्चों को जहां सारे जो है सेकेंडरी सेक्सुअल हेयर्स आने लगते हैं, या मेल्स में जहां पर दोनों आईब्रोज के बीच में हेयर ज़्यादा है या आपकी बियर्ड एरिया ज़्यादा है, तो वहां पर लेज़र बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप उसको एज अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर इस्तेमाल करना चाहें कि आपको लगता है कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल हैं तो क्या मैं लेज़र हेयर रिमूवल करा सकते हैं, वहाँ पर यह आपको जानना ज़रूरी है कि लेज़र हेयर रिडक्शन थिकर बालों पे ज़्यादा काम करता है। तो अगर खाली रुआ है वहाँ पर आपको मज़ा ही नहीं आएगा, आपको लगेगा कि कोई रिजल्ट ही नहीं है। तो ये सब बातें जानना बिफोर यू गेट इन टू द प्रोसीजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 सेटिंग्स एंडीयाक लेज़र की, हमारे हिंदुस्तानी स्किन पे 3 लेज़र काम करती हैं, एंडीयाक लेज़र जो डॉक्टर्स की लेज़र है, डायोड लेज़र जो टेक्नीशियंस की लेज़र है, और तीसरी है IPL लेज़र, इंटेंस पल्स लाइट। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कौन सी लेज़र करा रहे हैं, उसी हिसाब से आपकी सिटिंग्स डिसाइड होंगी। सिटिंग्स 4-6 हफ्ते में होती हैं, ना उससे पहले करके फ़ायदा है ना उसके बाद करके फ़ायदा है। और उसके अलावा कोशिश ये कीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि जहां आप लेज़र करा रहे हैं उनकी मशीन की पावर क्या है, क्या कर रहे हैं। देखिए, हर कोई आपको बताने को तैयार है, अगर आप पूछेंगे नहीं तो कोई नहीं बताएगा। तो आप कहीं भी जाइए, उनसे पूछिए कि आप क्या लेज़र कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स लिखिए, ऑनलाइन सब कुछ मौजूद है, उसके बारे में पढ़ के तभी यू गेट इनटू लेज़र हेयर रिडक्शन। आजकल मैंने देखा है कि पैकेज मिल रहा है लाइफ लॉन्ग लेज़र। जनाब, अगर लाइफ लॉन्ग लेज़र ही करनी थी तो वो थ्रेडिंग वैक्सिंग क्या बुरी थी। तो कोई भी चीज़ जो आपको लाइफ लॉन्ग बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो काम सही नहीं है। तो सही जगह सही लेज़र चूज़ कीजिए। सबसे पहले ये चूज़ कीजिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कि क्या आप लेज़र हेयर रिडक्शन के कैंडिडेट हैं भी या नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं हैं तो आप सिर्फ पैसे खर्च करेंगे और आपका सुकून भी ख़त्म होता चला जाएगा। तो लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में हम लंबी बातें लगातार हम वीडियोस बना के करते रहेंगे। प्री लेज़र क्या होता है, पोस्ट लेज़र क्या होता है, कितनी सिटिंग्स होती हैं, कौन सी लेज़र क्या होती है, तो हमारा आप जो है ये वीडियोस देखते रहिए। लेट्सअप को डाउनलोड कीजिए, हमारा ये सफ़र चलता चला जाएगा। और आपके लिए क्या सही है और किस तरह आपको पता करना है कि आपके लिए क्या सही है, हम मौजूद हैं आपका रहबर बनने।